हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मर ऑक्स यूट्यूब चैनल। फार्मर ऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। सो आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे रिगार्डिंग द फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी एंड आवर टॉपिक इज ए जीन ट्रांसफर। सो पार्ट वन लेक्चर के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे अबाउट द वेरियस टेक्निक्स एंड मेथड ऑफ ए जीन ट्रांसफर। सो लेट्स स्टार्ट इन दिस लेक्चर। So be updated with the pharma knowledge. For that, subscribe the channel and press on the bell icon and never miss any video of Pharma Rocks. Subject wise notes, PDF and PPTs of our lecture, rapid revision notes in affordable price are available on our app Pharma Rocks. जो Pharma Rocks की app ऊपर आपको GPAT exam के लिए NIPER, DI as well as pharmacist exam के लिए जो study materials है कि जिसकी पीडीएफ फाइल स्पेशली हमने अपलोड की है हमारी मोबाइल एप्लीकेशन फार्मा रॉक्स के ऊपर कि जिसके अंदर आपको सब्जेक्ट्स वाइज नोट मिलेंगे, पीडीएफ एंड पीपीटीज ऑफ अवर लेक्चर, रैपिड रिवीजन नोट्स इन अफोर्डेबल प्राइस। सो गेट दिस ऑन अवर ऐप फार्मा रॉक्स, एंड्रॉइड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले। फिर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के जिसके अंदर 365 टेस्ट इन 365 डेज टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज रहेगी, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स, सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे टेस्ट सीरीज के अंदर। तो ये है डिटेल ऑफ दिस टेस्ट सीरीज। प्राइस इज जस्ट ₹100, इज लाइक 28 पैसा पर डे। यू विल गेट एमसीक्यू सॉल्यूशन, एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर रिजल्ट एनालिसिस, इस तरह से कि इंस्टेंट टेस्ट रिजल्ट मिल जाएगा, रिजल्ट एनालिसिस रहेगी, फिर आपका जो रैंक है वो इंस्टीट्यूट रैंक भी यहाँ पे जनरेट होगा कि बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस, के आपके परफॉर्मेंस के बेस ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आपका इंस्टीट्यूट रैंक। सो दिस ऑल फैसिलिटी अवेलेबल ऑन अवर ऐप फार्मा रॉक्स। डाउनलोड देयर फार्मा रॉक्स एंड्रॉइड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले। सो मोबाइल एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी, प्ले स्टोर पर से भी अवेलेबल है एज वेल एज फ्रॉम एप्पल स्टोर। सो शुरू करते हैं आज के लेक्चर के अंदर कि सबसे पहले हम जो सीख रहे हैं जीनेटिक इंजीनियरिंग। तो जीनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? तो जीनेटिक इंजीनियरिंग ऑल्सो कॉल इज जीनेटिक मॉडिफिकेशन। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि स्पेशली जो जीनेटिक मटेरियल है तो जीनेटिक मटेरियल को करते हैं हम मॉडिफाई। तो मॉडिफिकेशन करना उसके अंदर, दूसरे वर्ड में हम कहें तो उसके अंदर हम चेंजेस करते हैं, मल्टीप्लीकेशन या फिर यहाँ पे लिखा है मैन्यूपुलेशन और ट्रांसफर। तो जीनेटिक मटेरियल है उसको हम ट्रांसफर करते हैं कि समझे कि आपके पास ये स्पीसीज वन है और स्पीसीज वन को हम कहते हैं डोनर कहते हैं, और डोनर वन डोनर में से जो भी जीनेटिक मटेरियल है वो हम स्पीसीज सेकंड है हमारे पास यहाँ पे कि जिसको हम कहते हैं रेसिपिएंट। तो डोनर में से रेसिपिएंट या फिर रिसीवर के अंदर हम जीनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करते हैं। तो ये हो गई प्रोसेस जीन ट्रांसफर की या फिर जीनेटिक ट्रांसफर की कि जीनेटिक मटेरियल एक स्पीसीज में से दूसरी स्पीसीज के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। तो जीनेटिक इंजीनियरिंग ऑल्सो कॉल ए जीनेटिक मॉडिफिकेशन। से ये क्या होगा कि एक टाइप का जीनेटिक मटेरियल का मॉडिफिकेशन हुआ। सो इट इज द डायरेक्ट मैन्युपुलेशन और ट्रांसफर ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स जीन यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। कि जो बायोटेक्नोलॉजी की अलग अलग कॉन्सेप्ट है उसी में से एक कॉन्सेप्ट है जीनेटिक इंजीनियरिंग। तो जीनेटिक इंजीनियरिंग एक हमारा बायोटेक का ही कॉन्सेप्ट है और ये अलग अलग कॉन्सेप्ट को हम यूटिलाइज करके जो जीनेटिक मटेरियल के अंदर मॉडिफिकेशंस करते हैं, चेंजेस करते हैं कि जिससे हमें जो डिजायर कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए वो हम अचीव करते हैं इन अवर डिजायर जीन। तो ये है अब जीन ट्रांसफर। किसके डेफिनेशन आप अच्छे से समझ सकते हैं कि यहां पे लिखा है कि द इंसर्शन ऑफ कॉपीज ऑफ जीन। तो यहां पे सबसे पहले देख लो इंसर्शन वर्ड का जो मतलब है, इंसर्शन करना मतलब कि ऐड करना। तो ये वहां पे एक वर्ड लिख लो आप, ऐड करना ऑफ कॉपीज ऑफ जीन। जीन की कॉपीज को आपको क्या करना है, ऐड करना है।
किसके अंदर? तो इनटू द लिविंग सेल। लिविंग सेल जो है वो आपका समझो कि कोई होस्ट है, तो उसको आप कहोगे लिविंग सेल। इन ऑर्डर टू इंड्यूस सिंथेसिस ऑफ जीन्स प्रोडक्ट, तब एग्जाम्पल दे लेकर यहां पे हम देख सकते हैं कि ये जो डायग्राम है उस पे आप अच्छे से ध्यान दो। तो ये है आपके पास ये प्लाज्मिड। प्लाज्मिड मतलब कि जो सर्कुलर जो डीएनए होता है, कि जो अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो प्रेजेंट होता है सर्कुलर डीएनए, जिसको हम प्लाज्मिड करते हैं। तो ये है समझो कि हमारा जीन, ये है हमारा जीन या फिर जीनेटिक मटेरियल। इसको क्या करना है, यहाँ पे जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग टू ऐड करना है, इंसर्ट करना है, कि ये एक टाइप की जीनेटिक मटेरियल की कॉपी है, तो इसको आपको क्या करना है, ऐड करना है या फिर इंसर्ट करना है इनटू लिविंग सेल। तो ये जो है आपके पास ये वाला है आपका ये लिविंग सेल। तो ये लिविंग सेल के अंदर ये जीनेटिक मटेरियल को आपको ऐड करना है, या फिर दूसरे वर्ड में वहां पे लिखा है इंसर्ट करना है। तो इंसर्शन ऑफ कॉपीज ऑफ जीन इनटू लिविंग सेल इन ऑर्डर टू इंड्यूस सिंथेसिस ऑफ जीन्स प्रोडक्ट। अब ये प्लाज्मिड को समझो कि यहां पे आपने इंसर्ट करवा दिया थ्रू सेल मेम्ब्रेन, कि ये जो सेल के आजू बाजू ये जो पूरा मेम्ब्रेन जो हम देख रहे हैं उसको हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू आपने ये जो जेनेटिक मटेरियल था उसको उसके अंदर ट्रांसफर करवा दिया है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो मॉडिफाइड हुआ जो होस्ट सेल है, कि ये होस्ट सेल अब मॉडिफाई हो चुका है, कि जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो गया है। तो ये था उसका ओरिजिनल मटेरियल, और ये जो प्लाज्मिड जो हमने ट्रांसफर करवाया वो उसके अंदर ऐड हो चुका है। तो इस तरह से हम क्या कहेंगे कि जेनेटिक मटेरियल का यहाँ पे मॉडिफिकेशंस हो गया बाय जीन ट्रांसफर। सो इट मे बी इंसर्टेड इनटू द कोर ऑफ द वायरस बाय जीन स्प्लाइसिंग एंड द वायरस अलो टू इन्फेक्ट द सेल फॉर रेप्लिकेशन ऑफ जीन इन द सेल्स डीएनए। अब ये जो सेल का डीएनए है, ये पूरा सेल मेम्ब्रेन्स जो सेल है, कि समझो कि कोई वायरस का है या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ये सेल है, तो उसके अंदर इसका अब क्या होगा, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मतलब कि उसकी नंबर ऑफ कॉपीज तैयार होगी। यह लिखा है कि द इंसर्शन ऑफ कॉपीज ऑफ जीन इनटू लिविंग सेल इन ऑर्डर टू इंड्यूस सिंथेसिस, और ये सिंथेसिस एक टाइप का रेप्लिकेशन ही है, कि ये जो हमने इंसर्ट करके जो मॉडिफाइड सेल तैयार किया, ये मॉडिफाइड सेल की क्या होगी, नंबर ऑफ कॉपी तैयार होगी बाय रेप्लिकेशन, कि ये एक है, एक में से दो, दो में से चार, चार में से 16, ऐसे मल्टीप्लीकेशन के बहुत सारे हमें इसकी कॉपीज मिलेगी। तो ये है बेनिफिट ऑफ जीन ट्रांसफर, के जिसके अंदर आप डिजायर कैरेक्टरिस्टिक्स वाला जो जीन है वो ट्रांसफर करते हैं। सो अब आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि व्हाट इज जीन एंड व्हाट इज द डीएनए। तो सबसे पहले जो जीन्स है, तो जीन्स इज द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, कि जो हेरिडिटी जो है आनुवंशिकता के जो हमारे मेन कैरेक्टर्स है, कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी पर्संस की या फिर कोई भी स्पीसीज की, तो वो आती है फ्रॉम हेरिडिटी। तो हेरिडिटी के लिए जो बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट है वो है हमारा जीन। और जीन्स किसके बने हुए हैं, तो दे आर मेड अप ऑफ ए डीएनए। सम जीन्स एक्ट एज इंस्ट्रक्शंस टू मेक मॉलिक्यूल्स कॉल ए प्रोटीन। तो जीन्स का काम क्या होता है, तो जीन्स का काम होता है इंस्ट्रक्शन देने का, कि अलग अलग जो प्रोसेस होती है बॉडी के अंदर, कि अलग अलग जो कोई बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होती है, फिर अलग अलग जो हमारे बॉडी के अंदर बायोकेमिकल प्रोसेस होती है, तो सभी के अंदर प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देने के काम ये जीन्स करते हैं। कि लाइक कोई जीन्स ऐसे है कि वो आपको
प्रोटीन का सिंथेसिस करवाने के मैसेज आपको फॉरवर्ड होते हैं और वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके प्रोटीन का सिंथेसिस करवाएंगे। हावेवर मैनी जीन्स डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन इन ह्यूमंस जीन्स वेरी इन साइज फ्रॉम फ्यू हंड्रेड डीएनए बेसिस टू मोर देन 2 मिलियंस। कि आप किस तरह से बैकबोन तैयार होता है वो आप समझो कि आपके पास ये है सबसे पहले तो डीएनए। तो बहुत सारे ये डीएनए के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन होके या फिर बहुत सारे डीएनए कंबाइन होके बना रहे हैं कोई जीन। जीन कहाँ पे प्रेजेंट है? तो हमारे सेल का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये सेल प्रेजेंट है, जीन प्रेजेंट है। फिर न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट है? तो सेल के अंदर है। बहुत सारे सेल ऐसे तैयार होके तैयार करेंगे हमारी टिश्यू। बहुत सारी टिश्यू कन्वर्ट होके बनाती है ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन कंबाइन होके बनाते हैं फिर फर्दर ऑर्गन सिस्टम। तो इस तरह से पूरा एक सिस्टम होता है कि जिससे अंदर बेसिक फंक्शनल यूनिट के अंदर है ये जीन्स। तो समझे कि कोई पर्टिकुलर कोई ऑर्गन है उसके प्रॉपर फंक्शंस के लिए सबसे बेस में हम कहे तो ये जीन्स है। कि समझे कि जीनेटिक मॉडिफिकेशंस होगा तो फर्दर फंक्शन अल्टर्स होंगे वो ऑर्गन सिस्टम के या फिर वो ऑर्गन के। तो ये देखा हमने रिलेटेड टू द अवर ह्यूमन बॉडी। तो सेम लाइक दैट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है जीन्स। तो समझो कि जीन्स के अंदर मॉडिफिकेशंस होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी आपको मॉडिफिकेशंस उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर भी देखने को मिलेंगे एज वेल एज इन दैट फंक्शन। सेकंड, आपके पास अच्छा नॉलेज होने चाहिए डीएनए का स्ट्रक्चर का। ऑलवेज माइंड में पता होना चाहिए कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है तो इस तरह से उसके अंदर मेन जो हम बेसिस कहते हैं कि जो बेस पेयर कहा जाता है, बेस पेयर। तो बेस पेयर के अंदर सी और जी ऑलवेज ज्वाइन होते हैं। सी मतलब कि यहाँ पे लिखा है साइटोसिन एंड जी मतलब कि गुएनिन। और इन दोनों के बीच में आप देख सकते हो ये ट्रिपल बॉन्ड, आप देख सकते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द साइटोसिन एंड गुआनिन एंड एडेनिन एंड थायमिन ए एंड टी के बीच में ऑलवेज होता है ये डबल बॉन्ड। तो ये अच्छे से आपको याद रखना है। फिर ये डीएनए का बैकबोन जो तैयार होता है एंटी पैरेलल डीएनए स्ट्रैंड, फिर उससे ये कंबाइन होके डीएनए लेडर बनती है और फिर उसका हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है वो तैयार होता है। और सुगर फॉस्फेट बैकबोन है ये न्यूक्लियोटाइड है हमारा कि पेंटोस सुगर फॉस्फेट और ये जो बेस तीनों मिलके बनाते हैं ये न्यूक्लियोटाइड। तो मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर, अब जो हमारा मेन टॉपिक है उस पे जाते हैं कि अलग अलग मेथड से जीन ट्रांसफर की। फर्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड है इलेक्ट्रोपोरेशन, थर्ड टेक्निक है कॉन्जुगेशन, ट्रांसड्यूक्शन, माइक्रो इंजेक्शन एंड लिपोजोम मेडिएटेड जीन ट्रांसफर। तो जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से आप कोई डीएनए बना लेते हो कि जो रिकॉम्बिनेंट किया हुआ है, कि हम कहते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए, कि आपने स्पीसीज ए ली, स्पीसीज बी ली, दोनों के डीएनए को कंबाइन करके आपने इस तरह से एक डीएनए बनाया कि उसका ये पोर्शन ओरिजिनल था और समझो कि इतना पोर्शन जो है वहां पे आपने अटैच करवाया। तो अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो आपका बना है उसको फर्दर आपको क्या करना है, ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर करके आपको किसी होस्ट बॉडी के अंदर या फिर होस्ट सेल के अंदर आपको ट्रांसफर करना है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का डिटेल वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगा बायोटेक्नोलॉजी की जो प्लेलिस्ट है फार्मारॉक्स की ऐप ऊपर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी लेक्चर्स की लिंक मिल जाएगी, तो वहां से आप चेक कर पाओगे। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बना उसको जरूरी है आप ट्रांसफर करना इन पर्टिकुलर होस्ट बॉडी और इन ए होस्ट सेल। तो
तो उसी के लिए हम ये अलग अलग जो मेथड्स है जीन ट्रांसफर की उसको फॉलो करते हैं, कि जिसके अंदर सबसे पहली जो मेथड है वो है ट्रांसफॉर्मेशन वाली टेक्निक, सेकंड है इलेक्ट्रोपोरेशन, थर्ड टेक्निक है कॉन्जुगेशन से आप करवा सकते हो, फिर ट्रांसड्यूशन करके जीन ट्रांसफर करवा सकते हो फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर स्पीसीज, फिर पांचवी टेक्निक है वो है माइक्रो इंजेक्शन वाली टेक्निक, और लास्ट एक टेक्निक है कि लिपोसोम मेडिएटेड जीन ट्रांसफर। तो सभी टेक्निक्स को हम डिटेल में सीखने वाले हैं, और अब शुरुआत करते हैं जो फर्स्ट टेक्निक ट्रांसफॉर्मेशन से। तो ट्रांसफॉर्मेशन की जो डेफिनेशन है वो आप अच्छे से समझिए कि व्हाट इज इट से। डेफिनेशन को बहुत ही अच्छे से समझिए कि इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये वाला वर्ड पकड़िए सबसे पहले आप, इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की जहां पे जीनेटिक्स रिलेटेड स्टडी होती है, अलग अलग माइक्रोब्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो इंटरनल एनाटॉमी होती है उसके रिलेटेड स्टडी होती है एट मॉलिक्यूलर बेसिस, कि जिसके अंदर ये जीनेटिक स्टडी भी आती है, तो उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। तो ट्रांसफॉर्मेशन इज ए जीनेटिक अल्टरेशन, यहां पे लिखा है अच्छे से देखो आप, ट्रांसफॉर्मेशन इज ए जीनेटिक अल्टरेशन। अल्टरेशन को हम यहां पे लिख सकते हैं शॉर्ट में चेंजेस, जीनेटिक अल्टरेशन करवाना मतलब कि चेंजेस करवाना ऑफ ए सेल, कि ये जो आपका कोई ओरिजिनल सेल है, कि यहां पे आप देखो ई कोलाई बैक्टीरिया का ये जो होस्ट सेल है तो ये ओरिजिनल है, तो इसके अंदर हम करवा सकते हैं जीनेटिक अल्टरेशन। तो जीनेटिक अल्टरेशन हम यहां पे इसके अंदर करवा सकते हैं फ्रॉम द डायरेक्ट अपटेक एंड इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन करना मतलब कि इंसर्ट करना या फिर उसके अंदर एडिशन करना, या फिर दूसरे वर्ड में कहे तो ऐड करना ऑफ एक्सोजेनस जीनेटिक मटेरियल। एक्सोजेनस जीनेटिक मटेरियल के आपके पास ये जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है इसको आप क्या कहोगे, एक्सोजेनस जीनेटिक मटेरियल। तो डायग्रामेटिकली आप समझोगे तो काफी इजीली समझ में आ जाएगा, एक्सोजेनस जीनेटिक मटेरियल आपके पास है ये, प्लस होस्ट सेल है कि जिसका आपको करवाना है जीनेटिक अल्टरेशन, तो फ्रॉम इट्स सराउंडिंग थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो होस्ट सेल है उसके आसपास ये जो ग्रीन कलर की जो बाउंड्री आप देख रहे हैं वो कही जाएगी उसकी सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू उसके अंदर आप क्या करवाते हो, जीनेटिक अल्टरेशन, मतलब कि हमने यहां पे ऑलरेडी लिखा है कि जीनेटिक मटेरियल के अंदर चेंजेस करवा रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं कि ये वाला जो प्लाज्मिड था और ये जो स्पीसीज थे, समझो कि हमने यहां पे स्पेस करके ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को इसके अंदर ट्रांसफर करवा दिया, तो अब जो नया हमें सेल मिल रहा है कि जिसका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, तो जिसके अंदर ये उसका ओरिजिनल डीएनए भी प्रेजेंट है और ये होगा आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो जीनेटिक मटेरियल ये होस्ट सेल के अंदर अब सक्सेसफुली ट्रांसफर हो चुका है, तो ये टेक्निक कही जाएगी ट्रांसफॉर्मेशन। एक और एग्जांपल लेकर समझते हैं, यहां पे आप देख सकते हैं कि ये है आपका फर्स्ट रेसिपिएंट, कि जिसको हम कहते हैं ए, तो ए जो है वो क्या करता है, उसका जो जीनेटिक मटेरियल है, ये वाला जो जीनेटिक मटेरियल हम कहेंगे उसको सिंपली, कि उसके ये जो जीन्स है उसको क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तो ये जो ए है उसको हम कह सकते हैं डोनर। अब क्या हो रहा है कि ये जो जीन्स है वो डोनेट की हुई, ये जो जीन क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं थ्रू दिस सेल मेम्ब्रेन, कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ये जीनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम डोनर टू रिसीवर, जिसको हम यहां पे सिंपल रिसीवर ही लिखते हैं या फिर रेसिपिएंट भी आप लिख सकते हैं। तो डोनर ये जो रिसीवर बी है
उसके अंदर अपना जीनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर कर रहा है, और ये वाला उसका जो ब्लू वाला जो मटेरियल था जीनेटिक मटेरियल, उसके अंदर ये रेड वाला इंसर्ट हो जाएगा। तो आप ये थर्ड डायग्राम के अंदर देख सकते हैं इन दिस, कि ये जो आपको जो सेल मिला उसको आप लिख सकते हैं कि दिस इज ए मॉडिफाइड होस्ट सेल, कि जिसके अंदर हो चुका है ये ट्रांसफॉर्मेशन। कि अच्छे से यहां पे हम लिख सकते हैं कि जब आप एग्जाम के अंदर ये डायग्राम ड्रॉ करो तो ये सारे पॉइंट्स लेबलिंग कर सकते हैं कि इस तरह से इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होके जीनेटिक मटेरियल जो है वो ट्रांसफर हो गया है। तो ये हो गई ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्निक। सो ट्रांसफॉर्मेशंस इन्वॉल्व्स द अपटेक ऑफ फ्री और नेकेड डीएनए। ये जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है इसको आप दूसरे वर्ड में फ्री डीएनए भी कह सकते हैं, या फिर उसको नेकेड डीएनए भी कहा जाता है। तो ये जो नेकेड डीएनए है उसको वाया रेसिपिएंट, तो ये है आपका रेसिपिएंट, रेसिपिएंट कहो या फिर उसको रिसीवर भी कह सकते हैं आप, बिकॉज ये जीनेटिक मटेरियल को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। ये जो है डोनेट किया हुआ फ्री डीएनए या फिर नेकेड डीएनए के, जिसको डोनर ने क्या किया है, डोनेट किया है, ये डोनेट किया हुआ जो जीनेटिक मटेरियल है वो ये वाला जो इकोलाई का होस्ट सेल है उसको एक्सेप्ट कर रहा है, रिसीव कर रहा है, या फिर उसको अपने अंदर ऐड कर रहा है, कि जिसके कारण उसको कहा जाएगा रेसिपिएंट, रिसीवर या फिर एक्सेप्टर। सो ये होगा सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन ओरिजिनली डिस्कवर इन न्यूमोकोकस बाय ग्रिफिथ। तो एमसीक्यू के लिए आपको ये पॉइंट याद रखना है कि विच साइंटिस्ट हैव डिस्कवर द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। तो साइंटिस्ट ग्रिफिथ, जो ग्रिफिथ करके जो साइंटिस्ट थे, GRIFFITH, ये स्पेलिंग आप याद रखो खास, ग्रिफिथ करके जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1928 के अंदर सबसे पहले कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो न्यूमोकोकस के अंदर, इन न्यूमोकोकस ट्रांसफॉर्मेशन की जो टेक्निक थी या फिर ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रोसेस थी वो सबसे पहले उन्होंने आइडेंटिफाई की, एंड जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसको कहा जाता है ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। हैज ऑल्सो ऑब्जर्व इन बेसिलस, नाइजीरिया, हीमोफाइलस एंड बैक्टीरिया। तो ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई की, तो ग्रिफिथ। तो ये हो जाता है आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए, कि यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर डायरेक्ट वो भी पूछे कि ग्रिफिथ हैव डिस्कवर द विच टेक्निक इन न्यूमोकोकस। तो आपको याद रखना है कि ट्रांसफॉर्मेशन, कि जीन ट्रांसफर की जो टेक्निक है ट्रांसफॉर्मेशन, उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया या फिर डिस्कवर किया ग्रिफिथ साइंटिस्ट ने इन 1928। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो ये वाले न्यूमोकोकस के अंदर उसको आइडेंटिफाई किया। नेक्स्ट जो हमने टेक्निक है वो है इलेक्ट्रोपोरेशन। तो उसका वर्ड का हम थोड़ा सा सेपरेट करते हैं, तो यहां पे दो वर्ड है हमारे पास, एक है ये इलेक्ट्रो, मतलब कि उसको हम यहां पे नीचे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रो पर से इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक तो अच्छा नहीं लगेगा, बट इससे हम लगते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, कि आपने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चीज पे अप्लाई किया है, क्यों किया है, तो उसके अंदर पोरेशन करने के लिए। पोरेशन करना मतलब कि उसके अंदर क्रिएट करना पोर्स, पोर्स कह सकते हैं, या फिर हम हॉल भी कह सकते हैं, कि जिससे हम वहां पे स्पेस जनरेट कर सके। स्पेस जनरेट करना या फिर पोर जनरेट करना, हॉल जनरेट करना, वो सिनोनिम्स आप यूज कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रोपोरेशन और इलेक्ट्रो परमिएबिलाइजेशन। परमिएबिलाइजेशन मतलब कि जो सेल का जो मेम्ब्रेन है उसको आपको कैसा बनाना है, परमिएबल बनाना है। इज ए माइक्रोबायोलॉजी टेक्निक इन विच एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाई टू द
सेल। तो ये आप यहां पे देख सकते हैं, ये हमारे पास से है ये सेल, उसके आसपास ये एक पॉजिटिव पोल है और नेगेटिव पोल। पॉजिटिव के समझे कि हम कैथोड कहते हैं और उसके पास है ये एनोड। तो कैथोड और एनोड के बीच में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉजिटिव पोल और ये नेगेटिव पोल। तो ये जो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होगा, जिसके कारण यहां पे ये सी के अंदर, डी के अंदर और ई के अंदर ये वाला जो है वो सेल मेम्ब्रेन है। सो सेल मेम्ब्रेन के अंदर आप देख सकते हैं ये क्रिएट हुआ पोर कि टेम्पररी, ये जो सेल मेम्ब्रेन के जो लिपिड का बना हुआ होता है खास करके, तो वो मॉलिक्यूल सेपरेट होके यहां पे ये जो क्रिएट हुआ पोर। अब ये जो पोर था, ऐसा नहीं है कि परमानेंटली पोर बना है, वो जो पोर था वो टेम्पररी था। तो ये पोर जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिमूव किया तो वो पोर फिर से जो क्लोज हो जाता है और ये फिर से ई के अंदर आप देख सकते हैं कि जो फिर से नॉर्मल मेम्ब्रेन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये भी आपका सी के अंदर नॉर्मल है, बट जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो टेम्पररी उसके अंदर ये पोर जो है वो क्रिएट होता आप देख सकते हैं। तो ये टेक्निक है इलेक्ट्रोपोरेशन की। तो ये हम क्यों करते हैं कि जब ये पोर क्रिएट करते हैं तो पोर से क्या होगा, इंक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। के सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी मतलब कि जो आउटसाइड समझो कि कोई मटेरियल है, वो ये पोर के थ्रू अंदर जो है वो सेल के अंदर एंटर हो सकेगा। अलोविंग द केमिकल्स, ड्रग और डीएनए टू बी इंट्रोड्यूस इनटू द सेल, आल्सो कॉल्ड ए इलेक्ट्रो ट्रांसफर। कि जैसे हमने देखा कि जब हमें कोई भी सेल के अंदर, कोई भी सेल के अंदर जीनेटिक मटेरियल को इंसर्ट करवाना है, कि समझो कि आपके पास जीनेटिक मटेरियल के तौर पे डीएनए है, ये डीएनए को इंसर्ट करवाना है, तो सबसे पहले आपको सेल मेम्ब्रेन जो है वो पास करवानी होगी। तो सेल मेम्ब्रेन कब पास होगी कि जिसके जब वो सेल मेम्ब्रेन कैसी होगी, परमिएबल होगी। तो उसकी परमिएबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम उसको आसपास ये इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसकी परमिएबिलिटी एनहांस होती है, जिसके कारण सेल जो है वो इजीली या फिर परमिएबल हो जाती है सेल मेम्ब्रेन, और ये जो जीनेटिक मटेरियल डीएनए है उसको आप इजीली ट्रांसफर करवा सकते हो इन दैट पर्टिकुलर सेल। सो इलेक्ट्रोपोरेशन इज अ फिजिकल ट्रांसफेक्शन, मतलब कि जो ट्रांसफर करने की जो मेथड है दैट यूजेज ए इलेक्ट्रिकल पल्स। कि इलेक्ट्रिक पल्स मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम कहते हैं वो यहां पे अप्लाई करते हैं टू क्रिएट टेम्पररी पोर। ये वर्ड आप खास पकड़ के रखो, ये जो पोर क्रिएट होते हैं वो टेम्पररी होते हैं, नॉट द परमानेंट। इन सेल मेम्ब्रेन थ्रू विच सब्सटेंस लाइक न्यूक्लिक एसिड कैन पास इनटू द सेल ऑफ होस्ट। कि जो भी होस्ट के अंदर आपको ये ट्रांसफर करवाना है उसके अंदर आप इजीली उसको ट्रांसफर करवा सकोगे। तो ये है सिंपल टेक्निक इलेक्ट्रोपोरेशन की, जिसके अंदर आप अप्लाइड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। थर्ड टेक्निक के जो कॉन्जुगेशन है, तो कॉन्जुगेशन नेचुरली भी होता है, नेचुरली भी अलग अलग जो सेल है, लाइक बैक्टीरिया के सेल है, फंगाई के सेल है, वायरसेस है, बैक्टीरियोफेजेस है, तो सभी के अंदर कॉन्जुगेशन होता है। और सबसे ज्यादा बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियल ट्रांसफर जो होता है जीनेटिक मटेरियल का फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, तो वो कॉन्जुगेशन के थ्रू ही होते हैं। तो कॉन्जुगेशन इज द प्रोसेस, यहां पे डेफिनेशन पे आप खास ध्यान रखो ये वाले, कॉन्जुगेशन इज द प्रोसेस बाय विच वन बैक्टेरियम, कि कोई बैक्टेरियम वन है, कि समझो कि यहां पे डोनर सेल है तो ये बैक्टेरियम वन है, कि जो उसका जीनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफर कर रही है टू अनदर, कि ये जो सेकंड है उसके अंदर अपना जो जीनेटिक मटेरियल, कि ये जो रेड कलर का ये जो जीनेटिक मटेरियल है, कि डोनर सेल प्लाज्मिड
इसको ये रेसिपिएंट के उसको अंदर उसको क्या करना है, ट्रांसफर करना है। तो वो कैसा होगा, थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आके दोनों बैक्टीरियल स्पीसीज एक दूसरे का जीनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करेंगे। कई बार एक्सचेंज भी होता है, जीनेटिक मटेरियल एक्सचेंज भी होता है, ट्रांसफर भी होता है। तो ये है प्रोसेस कॉन्जुगेशन की। तो ड्यूरिंग द कॉन्जुगेशन वन बैक्टीरियम इज सर्व एज ए डोनर ऑफ द जीनेटिक मटेरियल एंड अदर सर्व एज ए रेसिपिएंट। क्या आप देख सकते हैं कि यहां पे जो एक है वो डोनर है और सेकंड है वो है रेसिपिएंट ऑफ द जीनेटिक मटेरियल एंड अदर सर एज अ रेसिपिएंट। द डोनर बैक्टीरियम कैरीज ए डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड द फर्टिलिटी फैक्टर। अब ये जो डोनर है उसके पास डीएनए का सीक्वेंस है कि जिसको हम कहेंगे फर्टिलिटी फैक्टर, कि जिसको एफ फैक्टर भी कहा जाता है। फर्टिलिटी फैक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एफ फैक्टर। तो सिंपली ये जो जनरेट हो रही है यहां पे, तो ये कहा जाता है सेक्स पाइलस। ये सेक्स पाइलस के थ्रू कि एक टाइप की ये जो ट्यूब जैसा जनरेट होता है सेक्स पाइलस, कि जिसके थ्रू ये जीनेटिक मटेरियल, ये जो डोनर है उसमें से ये रेसिपिएंट के अंदर ये जीनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो। यहां पे ये लिखा हुआ है, ये खास आप पढ़िए कि डोनर इज ट्रांसफर डायरेक्टली टू रेसिपिएंट थ्रू ए कनेक्टिंग ट्यूब। कनेक्टिंग ट्यूब को कहा जाता है सेक्स पाइलस। कॉन्टेक्ट एंड ट्रांसफर आर प्रमोटेड बाय ए स्पेशलाइज प्लाज्मिड इन ए डोनर सेल। तो ये हो गया कॉन्जुगेशन। सो बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन इन ई कोलाई वॉज डिस्कवर बाय लीडरबर्ग एंड टेटम इन 1946। तो एमसीक्यू के लिए आपको ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है कि सबसे पहले बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन की टेक्निक कौन से साइंटिस्ट ने फाइंड आउट की, तो लीडरबर्ग एंड टेटम। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो वो ई कोलाई के अंदर। कौन से ईयर में, 1946। तो एमसीक्यू के लिए आपके लिए है ये एक पिन पॉइंट। तो ये पिन पॉइंट अच्छे से आप याद रखिए फॉर द एग्जामिनेशन। व्हेन दे ऑब्जर्व सेक्स लाइक एक्सचेंज बिटवीन टू म्यूटेंट स्ट्रेन ऑफ ई कोलाई कॉल K12, उसको K12 नाम दिया। तो यहां पे देख सकते हैं कि समझो कि इसको हम ई कोलाई ही कंसीडर कर लेते हैं। तो सेक्स लाइक एक्सचेंज कि दोनों डोनर और रेसिपिएंट एक दूसरे के साथ नजदीक आ रहे हैं और ये क्रिएट कर रहे हैं एक टाइप का सेक्स पाइलस। सो सेक्स पाइलस के थ्रू दोनों के बीच में मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो कॉन्जुगेशंस इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मिड फ्रॉम डोनर। बैक्टीरिया कंटेन एफ प्लाज्मिड, किसको समझो कि ये जो प्लाज्मिड है उसको हम नाम देते हैं एफ प्लाज्मिड। टू रेसिपिएंट कि बैक्टीरिया लेकिंग एफ प्लाज्मिड, देखो इसके पास एफ प्लाज्मिड है पर इसके पास एफ प्लाज्मिड नहीं है, कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए काफी जरूरी है। तो ये जो सेक्स प्लाज्मिड है या फिर एफ प्लाज्मिड है कि जो जरूरी है डिटर्मिनेशन के लिए ऑफ द सेक्स के, आइदर ये मेल या फिर फीमेल। तो उसके लिए जरूरी है ट्रांसफर होना जीनेटिक मटेरियल का कि जो है एफ प्लाज्मिड फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट। तो कॉन्जुगेशन इज मोर कॉमन इन ग्राम नेगेटिव बिटवीन स्ट्रेन ऑफ सेम स्पीसीज और क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। और ग्राम नेगेटिव का एग्जाम्पल स्पेशली जो हमने आगे देखा ई कोलाई जो बैक्टीरिया है इसेरिसिया कोलाई, उसके अंदर आप ये कॉन्जुगेशन देख सकते हैं। सम प्लाज्मिड लाइक एफ प्लाज्मिड की जो फर्टिलिटी फैक्टर है या फिर उसको सेक्स फैक्टर भी कहा जाता है। दे कैरी ट्रांसफर जीन कि जिसको ट्रांसफर जीन कहा जाता है, दैट मेडिएट देयर ओन ट्रांसफर थ्रू सेक्स पाइलस। बैक्टीरिया दैट हैव एफ प्लाज्मिड आर रेफर्ड टू एज ए एफ प्लस और मेल, एंड दोस दैट डू नॉट हैव एफ प्लाज्मिड आर कॉल्ड एफ माइनस ऑफ फीमेल। कि जब ये ट्रांसफर होते हैं जीन, तो जो बैक्टीरिया के पास ये एफ प्लाज्मिड है
उसको एफ प्लस कहा जाता है, और एफ प्लस का मीनिंग होता है मेल। और जिसके पास ये नहीं है कि डू नॉट हैव एन एफ प्लाज्मिड, यहां पे हैव है, यहां पे डू नॉट हैव है, आर एफ माइनस फीमेल। द एफ प्लाज्मिड कंसिस्ट ऑफ 25 जीन्स दैट मोस्टली कोड फॉर प्रोडक्शन ऑफ सेक्स पिली। सेक्स पिली कह सकते हैं आप, मतलब कि ये जो आप देख सकते हैं कि कोई समझो कि ये हम माइक्रोब्स ड्रॉ करते हैं, तो उसके आसपास ये हम ऐसा ड्रॉ करते हैं, या फिर ऐसे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं, कोई भी हम बैक्टीरियम स्पीसीज ड्रॉ करते हैं, तो वहीं से उनकी जनरेट होती है सेक्स पाइलस, या फिर जिसको सेक्स पिली कहे, क्योंकि जो जीनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करवाती है फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर स्पीसीज थ्रू दिस प्रोसेस कॉन्जुगेशन। तो यहां पे आप देखो ये डायग्राम के अंदर आप इजीली समझ पाओगे कॉन्जुगेशन, दो अलग अलग डायग्राम है। सबसे पहले ये डायग्राम वन को समझते हैं, तो ये है आपके पास डोनर न्यूक्लियोइड, कि ये जो पर्पल कलर का है ये है आपके पास डोनर न्यूक्लियोइड। ट्राजींस मतलब कि टीआरए जीन, जो जिसको कहा जाता है ट्रांसफर जीन, कि जिसको कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड हम कह सकते हैं, कि जो कॉन्जुगेटेड है। फिर क्या होता है मोबिलाइजेबल प्लाज्मिड, कि जो है ओरी टिक, ये जो मोबिलाइजेबल मतलब कि ये स्पीसीज में से ये जो 20 स्पीसीज के अंदर वो मोबिलाइज हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, और ये है रेसिपिएंट न्यूक्लियोइड। तो ये जो बीच में जो हम ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं, इसको हम कहेंगे सेक्स पिली भी कह सकते हैं उसको, या फिर सेक्स पाइलस। तो सेक्स पिली या फिर सेक्स पाइलस के थ्रू जीनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होगा फ्रॉम स्पीसीज वन टू स्पीसीज बी, कि जो डोनर के में से रेसिपिएंट के अंदर वो ट्रांसफर होगा। सेम लाइक दैट ये जो दूसरा डायग्राम के अंदर भी आप देख सकते हैं कॉन्जुगेशन के प्रोसेस को, ये है आपके पास रेसिपिएंट सेल, जीनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है, ये क्रिएट हो रही है पाइलस, ये आपका क्रोमोसोम है, ये प्लाज्मिड, और ये है उसका डोनर सेल। तो इसमें कंडीशन ये होती है कि दो जो सेल है वो एक दूसरे के क्या आते हैं, कॉन्टेक्ट में आते हैं, और कॉन्टेक्ट में आकर ये पाइलस या फिर सेक्स पाइलस को क्रिएट करते हैं, जिससे जीनेटिक मटेरियल का चाहे एक्सचेंज होता है, या फिर दूसरे वर्ड में हम कहें तो उसका ट्रांसफर होता है। तो ये हो गई जीन ट्रांसफर की टेक्निक कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन के बाद जो नेक्स्ट टेक्निक है वो है ट्रांसड्यूशन। सो ट्रांसड्यूशन इज अ जीन ट्रांसफर फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट बाय वे ऑफ बैक्टीरियोफेज। तो एमसीक्यू के लिए ये पॉइंट आपको खास याद रखना है, एमसीक्यू का है आपके लिए ये पिन पॉइंट, कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड जीन ट्रांसफर फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट बाय द वे ऑफ बैक्टीरियोफेज। तो दैट टेक्निक इज ए ट्रांसड्यूक्शन। ट्रांसड्यूक्शन इज द प्रोसेस बाय विच डीएनए इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बाय अ वायरस। ये पॉइंट खास पकड़ो आप यहां पे, कि ट्रांसड्यूक्शन इज द प्रोसेस बाय विच डीएनए इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर, कि ये समझो कि आपका डोनर सेल है, ये रेसिपिएंट सेल है, तो बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट ए सेल, कि जो बैक्टीरियोफेजेस जनरेट होते हैं, कि जो एक टाइप के क्या है वायरस है, तो वायरस के थ्रू जीनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर स्पीसीज। इट इज ऑल्सो रिफर्स टू ए प्रोसेस वेयर बाय फॉरेन डीएनए इज इंट्रोड्यूस इनटू द अनदर सेल वाया वायरल वेक्टर। कि ये वाले जो आप देख सकते हैं वायरल वेक्टर, तो वायरल वेक्टर के थ्रू जीनेटिक मटेरियल ट्रांसफर है। कि देखो आप डोनर सेल है, रेसिपिएंट है, तो बैक्टीरियोफेज क्या करते हैं, ये सेल को इन्फेक्ट कर रहे हैं, फिर ये सेल का लाइसिस कर देंगे, लाइसिस ऑफ डोनर सेल, डोनर डीएनए इज पैक्ड इन रिलीज बैक्टीरियोफेज।
और ये जो बैक्टीरियोफेजेस है उस वो क्या करेंगे, ये जो डीएनए है उसको उसके अंदर पैक कर लेंगे। फिर ये क्या करेंगे, वो अब डोनर डीएनए इज ट्रांसफर व्हेन बैक्टीरियोफेजेस पार्टिकल इन्फेक्ट द रेसिपिएंट सेल। कि पहले क्या किया उन्होंने, बैक्टीरियोफेज ने डोनर को इन्फेक्ट किया, उसको लाइसिस करके उसका डीएनए उसके अंदर पैक कर लिया, और फिर रेसिपिएंट के अंदर सेम प्रोसेस कर रहे हैं, और रेसिपिएंट के अंदर उसको इन्फेक्ट करके ये जो मटेरियल उसके अंदर ट्रांसफर करेंगे। सो इट इज ऑल्सो रिफर्स टू ए प्रोसेस वेयर बाय फॉरेन डीएनए इज इंट्रोड्यूस इनटू अनदर सेल वाया वायरल वेक्टर। तो एमसीक्यू के लिए चारों चार आपके लिए पिन पॉइंट है, ये फर्स्ट वाला पिन पॉइंट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फॉर। चारों चार पिन पॉइंट आपके लिए मोस्ट आईएमपी है फ्रॉम ट्रांसड्यूक्शन टेक्निक। तो बैक्टीरियो फेजेस क्या है, तो बैक्टीरियो फेज ऑल्सो नोन एज ए फेज, इट इज ए वायरस दैट इन्फेक्ट एंड रेप्लीकेट विद इन बैक्टीरिया एंड आर्चिया। द टर्म वॉज डिराइव फ्रॉम बैक्टीरिया एंड द ग्रीक मीनिंग टू डिवर। तो बैक्टीरियो फेजिस क्या है, तो ऐसे कोई बैक्टीरिया नहीं है, वो एक टाइप का वायरस है। कि यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि ये है उसका हेड, तो हेड कंटेनिंग डीएनए, कि जिसके अंदर डीएनए होता है, फिर उसका ये कॉलर है बीच में, फिर ये नीचे वाली जो भाग है उसको हम टेल कहते हैं, और नीचे उसके उसकी बेस प्लेट है, बेस प्लेट पे ये टेल फाइबर्स होते हैं एंड बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं, कि जिससे वो किसी भी स्पीसीज के अंदर एंटर होने होता है, और फिर उसका जो डीएनए है वो उसके अंदर पैक कर लेता है, कि जो हेड है उसके अंदर वो जो डीएनए पैक कर लेगा। तो ट्रांसडक्शन प्रोसेस को हम डिटेल में सेकंड पार्ट के लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे, कि मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर के अंदर हमने आज के लेक्चर के अंदर सीखा ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में, इलेक्ट्रोपोरेशन एंड कॉन्जुगेशन, और शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिया हमने ट्रांसड्यूक्शन का, कि जो स्पेशली वायरस के थ्रू और डोनर में से रेसिपिएंट के अंदर जीनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है। फिर माइक्रो इंजेक्शन, लिपोजोम मेडिएटेड जीन ट्रांसफर वगैरह हम पार्ट टू लेक्चर में स्टडी करेंगे ऑफ दिस चैप्टर जीन ट्रांसफर। सो टिल देन गुड लक एंड ऑल द बेस्ट। ऑल्सो ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप्स बाय सेंड योर नेम, सिटी नेम एंड व्हाट्सएप इट टू 9426180836 फार्मारॉक्स व्हाट्सएप ग्रुप्स। बी अपडेटेड विद फार्मा नॉलेज, फॉर दैट सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकॉन एंड नेवर मिस एनी वीडियो ऑफ फार्मारॉक्स। ऑल्सो गेट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर्स ऑन अवर एफ।